तसी तेलक एवरीवन। और तसी तेलक का मतलब यहाँ पे है नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग है तवंग में और आज जो हम लोग का प्लान है, हम लोग आज तवंग एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम लोग का पहले प्लान था आज हम गुमला जाएंगे, देन हम लोग माधुरी लेक जाएंगे, उसके बाद अगर टाइम मिला तो तवंग एक्सप्लोर करेंगे। पर प्लान में थोड़ा चेंज क्योंकि गुमला आज बंद है, कुछ आर्मी इशूज़ है उस जगह को लेके, तो आज परमिट नहीं निकल पाएगा। परमिट के लिए हम अप्लाई कर चुके हैं, वो कल निकलेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं और लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी जो जो जगह है वहाँ पर घूमेंगे। और हम लोग आज तवंग की ठंड और यहाँ के लोकल फूड्स एंजॉय करेंगे। तो टिल देन बाय बाय। मतलब गाड़ी के परमिट के रिगार्डिंग बातचीत चल रहा है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी हो रहा है। देन आप जिस भी होटल में रुके हो उस होटल वाले से बोलने से वो परमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग का तो उतना लोकल का पता नहीं रहता कहाँ पे जाना है और कैसे परमिट निकालना है, तो उनको बोलने से वो निकाल देंगे, कुछ दिक्कत नहीं। Everyone is getting ready to explore Tawang. All set. Let's go. फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ आवर एक्सप्लोरिंग तवंग वो है बुद्धा स्टैचू। हम लोग हैं यहाँ पे और ये जस्ट हमारे होटल के पीछे ही है। तो यहाँ पे पहले हम लोग आए हैं, मेरे पीछे मेरे टीममेट्स सब कुछ, कपिल भाई, खुशी भाई। तो हम लोग अंदर जाएंगे, उसके अंदर भी कुछ है बहुत सारा चीज़, वो देखेंगे। लेकिन यहाँ से वन बाई वन एक एक चीज़ एक्सप्लोर करता जाएंगे। मैगी खाने, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में उतना कुछ मिलता नहीं है हमारे वहाँ की तरह, और मैगी ही मिलता है, मोमो मिलता है, और मैगी मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं ये लोग। तो मैगी खाएंगे क्योंकि चार दिन हो गया हम लोग मैगी ही खा रहे हैं, दिन में भी मैगी, रात में भी मैगी, तो बोर हो चुके हैं अभी मैगी खा के, पर टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलते हैं अंदर और मैगी खाते हैं। जिस जगह पे है उसका नाम है तवंग मोनेस्ट्री, और यहाँ पे और एक भी मोनेस्ट्री है, वहाँ पे भी जाएंगे। और फिलहाल के लिए हम लोग अभी तवंग मोनेस्ट्री पे है, और बहुत ही बढ़िया व्यू, एंड इन लोगों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा वाला होता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और मेरे साथ है इंदिरा, सुनील भाई और कपिल भाई, सुशी भाई, हम लोग चार जन आए हैं, बाकी सब रूम में है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या इंटरेस्टिंग मिलता है हम लोगों को। तो ये जो तवंग मोनेस्ट्री है इसका व्यू बाहर से जितना ब्यूटीफुल है और अंदर से मतलब उतना ही ब्यूटीफुल है। मेरे को नहीं लगता था अंदर इतना अच्छा व्यूज़ मेरे को देखने को मिलेगा, पर लिटरली गाइज मैं तो चौंक गया, आप तो चौंकने ही वाले हो क्योंकि इतना ब्यूटीफुल व्यू है अंदर का। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। देखा बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अभी निकलते हैं
हमारे जो थर्ड डेस्टिनेशन है उसके लिए। मोनेस्ट्री का तबंग में कोई कमी नहीं है, जैसे हमारे वहाँ पे मंदिर होते हैं यहाँ पे भी भरपूर मोनेस्ट्री है एक से बढ़कर एक। तो अभी हो रहा है 1:30, अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है हम लोग को, आप देख सकते हैं जैकेट्स में घूम रहे हैं हम लोग। तो ये जगह का नाम है अर्गलिंग मोनेस्ट्री और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए कि ये 6th दलाई लामा जो है उनका बर्थ प्लेस है और बहुत पुराना मोनेस्ट्री है। तो अभी तो फिलहाल मोनेस्ट्री में कोई नहीं है, मॉन्क्स जो सारे जो होते हैं यहाँ पे वो बाहर हैं, अभी हम आते टाइम उनको देखें वहाँ पे। तो मोनेस्ट्री अभी बंद भी है, कोई भी लोग यहाँ पे नहीं है, तो पूरा सुना सुना सा है मोनेस्ट्री। एक्सप्लोरिंग तवंग का लास्ट डेस्टिनेशन और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये एक वार मेमोरियल है और 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो वार हुआ था, और उस वार के दौरान जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे जो शहीद हुए थे उनके मेमोरी और उनकी आत्मा की सदगति के लिए यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो वाल है ये वाल में हर रेजिमेंट से जो भी रेजिमेंट से जो जो शहीद हुए थे उन सबका नाम, और ये देखने के बाद जितना दुख होता है उतना प्राउड होता है कि इंडियन होने का। बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे इंडियन आर्मी है, मतलब इतने अल्टीट्यूड में हमारे लिए लड़ रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इतना मतलब ठंड सह नहीं पा रहे, वो सियाचिन में -50, -10, -12 में हमारे लिए वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं। तो इट्स फील गुड एंड प्राउड फील होता है जब भी इंडियन आर्मी की बात आती है, इंडिया की बात आती है। तो अभी चलते हैं मेमोरियल्स को अच्छे से देखते हैं। मेमोरीज हैं इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द वॉर जो जो इक्विपमेंट्स यूज करते थे, लाइक गन्स, बुलेट्स, कैप्स, और ये मैप, क्योंकि उस टाइम तो गूगल मैप नहीं था तो इसी से ही वो जंग लड़ते थे। और बहुत सारे फोटोग्राफ्स है उस टाइम के, एंड वहाँ पे भी गन्स वगैरह सब कुछ अच्छे से उसको रखा गया है यहाँ पे एज ए मेमोरी। एक्सप्लोरिंग तवंग का जो भी हम लोग का 4 या 5 डेस्टिनेशन था जिसको हम अच्छे से कवर किए, तो
ये था, बाकी यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं और अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो अभी निकलते हैं रूम, होटल चलते हैं, कुछ खाएंगे वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो और जो साइड में बेल का आइकन उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस टू।